नमस्कार, मैं अंजू सामरिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज इंडिया, एक उम्मीद की किरण और आपका विश्वास, सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल। बैरोड क्षेत्र के बड़ोद कस्बे के भवानी सिंह सिक्किम में हुए शहीद। शहीद सैनिक का राजकीय सम्मान के साथ शनिवार देर शाम को दी अंतिम विदाई। बता दें कि सिक्किम के लोहानक झील के ऊपर 3 अक्टूबर को बादल फटने के कारण तिस्ता नदी में बाढ़ आ गई थी। तिस्ता नदी में बाढ़ आने के कारण सेवा की बटालियन नदी के किनारे कैंप किया हुआ था। तिस्ता नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की चपेट में सेना का कैंप चपेट में आ गया, जिस दौरान बाढ़ की चपेट में आने से सैनिक लापता हो गए थे। इसी दौरान बैरोड क्षेत्र के बड़ोद के निवासी सैनिक भवानी सिंह चौहान पुत्र नरेश सिंह चौहान बाढ़ की चपेट में आने से शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर शनिवार देर शाम सिक्किम से हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से पैतृक गांव लाया गया। शहीद नायक भवानी सिंह 16 यूनिट सिक्किम में नायक मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग में तैनात थे। बड़ोद के शहीद की सूचना पर क्षेत्र के आसपास के लोगों की काफी संख्या में भीड़ जुट गई और युवाओं के द्वारा पूर्व सरपंच सुनील भारद्वाज, बैरोड सदर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।